सो फ्रेंड्स, आज मैं एक स्टोरी से बताना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ की परेशानियाँ क्यों होती है और वो परेशानियों का हल क्या है। सो एंड तक प्लीज़ इसको देखिए और आपको मिलेगा आपका सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। गांव में एक किसान अपनी ज़िंदगी से दुखी था, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके, समस्याएं लेके बुद्ध के पास गया। किसान अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। वो बुद्ध के पास गया और बोला कि बुद्धा, मैं किसान हूँ और मुझे खेती करना बहुत पसंद है, लेकिन वर्षा कभी भी आ जाती है और मेरी फसल को नष्ट कर देती है। बुद्धा सुनते रहे और किसान बोलता गया। किसान ने फिर कहा कि मेरी एक पत्नी है और वो भी मुझसे झगड़े करते रहती है और मैं भी उससे परेशान रहता हूँ। ऐसा लगता है कि वो जीवन में ना होती तो बहुत अच्छा होता। मेरे बच्चे भी बुरे हैं और कभी कभी वो मेरी बातें सुनते नहीं हैं और गलत गलत जवाब देते रहते हैं। मैं इन सबसे बहुत ही परेशान हूँ। कभी भी ये मुझे सुख मिलता नहीं है और मुझे हर समय ये सब कठिनाइयों का हमेशा सामना करना पड़ रहा। किसान बताते गया और बताते जब उसके पास कोई भी समस्याएं बताने को नहीं रही तो वो शांत हो गया। उसने फिर प्रतीक्षा की कि बुद्धा कुछ बोलेंगे, उनको कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन बुद्धा एकदम खामोश थे, एकदम चुप थे, एकदम शांत। वो किसान बोला कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी परेशानियों का समाधान नहीं करेंगे? बुद्धा ने कहा कि मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। किसान ने कहा कि आप सबके दुख को दूर करते हैं और सबकी परेशानियों को दूर करते हैं, तो फिर आप, मैं गरीब हूँ, किसान हूँ, इसलिए आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं? आप मेरे दुख क्यों दूर नहीं कर सकते? बुद्धा ने कहा कि सबके जीवन में कठिनाइयाँ हैं, तुम्हारे जीवन में कोई नई कठिनाइयाँ नहीं है। कभी इंसान सुखी होता है तो कभी दुखी होता है, कभी उसे पराए अपने लगते हैं और कभी अपने पराए। जीवन चक्र है, इसे कोई नहीं निकल सकता। हमारे जीवन में 25 समस्याएं हैं और उन समस्याओं से कोई भी बच नहीं सकता, भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। एक दिन जिसे तुम प्रेम करते हो वो भी गुजर जाएंगे और एक दिन तुम भी गुजर जाओगे। अगर आप बहुत कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी एक समस्या हल हो जाती है तो उसकी जगह पे फिर दूसरी समस्याएं पैदा हो जाएगी। आज भी वही समस्या थी जो 100 साल पहली समस्याएं थी। किसान क्रोधित हुआ और उसको वो सब सुन के नहीं हुआ और बुद्धा ने कहा कि ये समस्याएं तो बनी ही रहेगी। फिर बुद्धा बोले कि मैं तुम्हारी 25 समस्याएं का हल तो नहीं निकाल सकता, लेकिन तुम्हारी 26 समस्याएं का हल जरूर निकाल सकता हूँ। किसान अचंभित हो गया। बुद्धा बोले कि तुम्हारी 26 समस्या ये है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी समस्याएं ना हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ही बहुत सारे दुख है, कोई और समझता है कि उसी के ही ज़िंदगी में बहुत दुख है। दुख छोटा हो या बड़ा हो, सबको अपना दुख बड़ा लगता है। जीवन सुख से और दुख से भरा हुआ है। अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा ही खुश रहो तो ये भी मुमकिन नहीं है, और अगर तुम चाहते हो कि तुम हमेशा ही दुखी रहो ये भी मुमकिन नहीं है। तुम इस दुख से और सुख से ऊपर उठ सकते हो, ये मुमकिन है। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का क्या तात्पर्य है? इस स्टोरी का ये तात्पर्य है कि जिंदगी सुख और दुख से भरी हुई है। सबके पास दुख है, सबके पास अपनी अपनी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सबको ही अपने दुख बड़े लगते हैं और सब चाहते हैं कि हम सुखी हो। जी हाँ, सब लोग चाहते हैं कि हम सुखी हो, लेकिन जिंदगी का सत्य तो यही है ना फ्रेंड्स, कि हमारे ज़िंदगी में सुख और दुख आते ही रहेंगे। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी कुछ करें, लेकिन सुख और दुख हमारी ज़िंदगी में आएगा ही ज़रूर। तो हमको इसको पॉजिटिव में लेना है कि अगर हमारे ज़िंदगी में दुख आते हैं तो हम उसको एज अ परेशानी ना समझे, क्योंकि बहुत लोग परेशानी समझते हैं कि मेरे ज़िंदगी में दुख है और वो नेगेटिव थॉट से, चीज़ों से भर जाते हैं और हमारी अपनी अच्छी ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। तो वाइसली जीने का तरीका यही है कि आप ये सोचिए कि सभी के ही ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं और वो रहेगी, और अगर आप बार बार उसको भागने की कोशिश करोगे या सोचोगे कि हाँ इससे मुझे निकलना है, ये सब करना है, तो आप
उसमें और जाल में फंसोगे और दुखी होंगे, ये इस चीज़ का तात्पर्य है। तो कभी कभी कुछ कुछ दुख को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगी। सपोज आपको किसी ने कुछ भी बुरा बोल दिया है तो आप झट से ये रिएक्ट करते हो कि हाँ इसने मुझे बुरा बोल दिया है। फिर आप दिन भर बैठे रहते हो उस चीज़ को सोचते हुए कि ये मुझे कैसे बोल सकती है। आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आपको वो चीज़ परेशान करने लगती है। तो आप सोचिए कि कोई अगर आपको कुछ बोल दे और उसका परिणाम अगर आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में और आपके माइंड पे हो रहा है, तो वो कितनी बड़ी परेशानी है जो वो पर्सन क्रिएट नहीं कर रहा है आपके लाइफ में, आप खुद कर रहे हो। और आप समझते हो कि उसका ज़बानी ऐसी है, वो कुछ चीज़ के कारण परेशान होगा या उसका नेचर ही वैसे है, तो उसको मेंटली हम अवॉइड करें ताकि हमारे लाइफ में थोड़ा सुख बना रहे। जो परेशानियों को हटा सकते हो, मेंटल लेवल पे सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि बुद्धा ने कहा है कि सुख और दुख से उभर सकते हो, वो तो आपके हाथ में है फ्रेंड्स। अब उस पर क्यों नहीं वर्क करते हैं, चलिए हम उस पर वर्क करें और हमारी ज़िंदगी को अच्छी बनाएं। इस समय पर ऐसे थॉट्स उत्पन्न कीजिए जो आपको जो मेंटल परेशानियों से जो आप पूरे घेर सकते हो, तो उस मेंटल परेशानी को आपको ब्रेक करके ये सोचना है कि वो पर्सन का वो नेचर है और वो नेचर उसको ही हार्म कर रहा है, क्योंकि वो सबकी में नेगेटिविटी देख रहा है। और अगर वो सब में नेगेटिविटी देख रहा है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो उसके माइंड कितना डर से भरा हुआ होगा, ये सोच के आप छोड़ दीजिए और किसी की गंदगी और नेगेटिविटी आप पे हावी ना होने दें। ये इस चीज़ का तात्पर्य है। और वैसे भी बहुत सारी परेशानियाँ तो होती रहती है फ्रेंड्स, क्योंकि सब पर्सन एक जैसा नहीं होता है, ज़िंदगी एक जैसा नहीं होती है, सबके सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो एक्सेप्ट इट एंड लिव योर लाइफ फुली। प्रॉब्लम्स को रहने दीजिए, लेकिन सुख को मेंटेन रखिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। ये इस स्टोरी का तात्पर्य है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलिए।